السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله العلي العظيم والصلاه والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

क्योंकि वो तीन बातें ऐसी हैं कि उनके ना समझने की वजह से अक्सर लोग रमज़ान में फ़ेल हो जाते हैं रमज़ान में उनको तकवा नहीं मिलता रमज़ान गुज़रने के बाद फिर दोबारा वही ज़िंदगी आ जाती है वो कौन सी चीज़ें हैं पहली चीज़ रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले ही हम इस्तकामत की नीयत से अल्लाह की इबादतों में लग जाएं। इसकामत की नीयत से कि हम अल्लाह की इबादत करेंगे शुरू तो पूरी ज़िंदगी इबादत करेंगे तिलावत शुरू करेंगे तो पूरी ज़िंदगी तलावत करेंगे सदक़ात और खैरात करेंगे तो पूरी ज़िंदगी करेंगे ये कोई फार्मेलिटी नहीं है कि रमज़ान का महीना आया कुर्ता पहन लिया टोपी पहन लिया और नमाज में आगे गए तरावी में आगे गए रमज़ान के बाद गायब मस्जिदें वीरान और सुनसान आखिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इतने सारे इंतज़ाम क्यों करता है शैतिन को जकड़ देता है जन्नत के दरवाज़ों को खुलवा देता है जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कराता है एक फरिश्तों का ऐलान करने के लिए भेजता है कि ए नेकियों के तलबगार नेकियों में आगे बढ़ो अ बुराइयों के रसिया लोगो गुनाहों से बाज आ जाओ और हर रात अल्लाह ताला बेशुमार बंदों को जहन्नम से आज़ादी का परवाना अदा करता है इसका तकाजा यही है कि हम जो भी इबादत शुरू करें उसमें इस्तकाम की नीयत होनी चाहिए फार्मेलिटी नहीं कोई लिबास नहीं कि पहना रमजान में उसके बाद उतार दिया नेकी के लबादा ओढ़ा और रमज़ान के बाद उससे आज़ाद हो गए पहली बात इसकामत की नीयत से हर नेकी शुरू करें नीयत अच्छी होगी तो अल्लाह ताला बरकत देगा और ये बात याद रखें कि रमज़ान का महीना अगर हमें मिल गया है तो कुछ पता नहीं कि दोबारा भी मिलेगा कितने लोग इससे पहले रमज़ान में थे आज मौजूद नहीं है आज मौजूद हैं कल नहीं रहेंगे और आपको हदीस भी मालूम है अगर इस की नीयत से आपने इबादत शुरू नहीं की तो याद रखें अलैहि वसल्लम ने खातिम आमाल का दारदार खात्मे पर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की रवायत में बयान फरमाया कि एक शख्स एक लंबी जिंदगी नेकी की तकवा की परहेजगारी की गुजारता है और उसके और मौत के दरमियान थोड़ा फासला बाकी रह जाता है वह ईमान से महरूम हो जाता है नकियों से आमाल सालिया से महरूम होकर के गुनाहों की जिंदगी गुजारते हुए दुनिया से चला जाता है और कहाँ जाता है जहन्नम के अंदर चला जाता है और एक आदमी एक लंबे ज़माने तक नेकियों के बजाय गुनाहों में जिंदगी गुजारता है अल्लाह की नाफरमानी करते हुए जिंदगी गुजारता है उसके और मौत में थोड़ा सा फासला रह जाता है अल्लाह की बारगाह में सच्ची तोबा करके ईमान के साथ चला जाता है अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ करके उसको जन्नत दे देता है तो पहली बात जो भी नेकी शुरू करें इस तकामत नीयत से शुरू करें दूसरी बात ये जो भी नेकी करे सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए करें लोगों को खुश करने के लिए ना करें कितने लोग रमज़ान में तरावत कुरान करते हैं और लोगों के सामने जिक्र भी करते हैं इतने बार मैंने कुरान मजीदों को अम्मल किया इतने गरीबों को खाना खिलाया इतने लोगों को रोज़ा इफ्तार कराया ये नेकी की ये ने की, की। एतक में इतनी ज़्यादा हमने इबादत कर ली तो इबादत जो भी हम करें रमजान में ख़ास तौर से उसमें अल्लाह की रजा के अलावा कोई मकसद नहीं होना चाहिए अल्लाह को खुश करने का मकसद होना चाहिए अल्लाह को राज़ी करना हमारा मकसद होना चाहिए जैसा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमल अमाल बिन नियात अमाल का दारदार नीयतों पर है कितने नौजवान हैं हमारे ऐसे हैं जो पूरा रमज़ान इबादत में गुजारते हैं कुरान की तलावत है रोज़ा है सबक़ात खैरात है यहाँ तक कि एतकाफ़ की दस रातें वो जागते हैं अहतकाफ़ के अंदर दसों रातों में इबादत करते हैं और ईद के बाद नमाज फ़जर में गायब नमाज जहर में गायब नमाज असर में गायब इन्हीं फ़र्ज नमाजें भी गायब हो गई रमज़ान में फ़राइज के अलावा बेशुमार नफली ने किया कर रहे थे और रमज़ान जैसे गया ने किया बंद हो गई तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो बंदा नेकी करता है वो अल्लाह ताला की रजा के लिए पूरी जिंदगी करता है वो चंद दिनों के लिए नेकी नहीं करता तो दूसरी बात ये जो भी नेकी रमज़ान के महीने में हम करते हैं उसमें इखलास होनी चाहिए रमजान के आने से पहले अपनी नीयतों को हम खालिस करें जो भी नेकी करेंगे लोगों को दिखाने के लिए नहीं करेंगे लोगों में हमारे चर्चे हों फ आदमी कितना परहेजगार और दीनदार हो गया कितना नेक बन गया सारी चीज़ों को छोड़ दिया और तीसरी चीज़ जिसे रमज़ान से पहले हमें समझना चाहिए वो ये कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है <गण> रोज़ा रखने का नबवी तरीक़ा क्या है तरावी पढ़ने का सुन्नत का तरीक़ा क्या है कुरान मजीद की तिलावत का सुन्नत का तरीक़ा क्या है सदक़ात और खैरात का तरीक़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या था ज़क़त अदा करने का नबवी तरीक़ा क्या है सहरी कैसे करनी चाहिए इफ्तार कैसे करना चाहिए ये सारी की सारी इबादतें सारी नेकियां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक होनी चाहिए आज बहुत सारे लोग रमज़ान में बहुत सारी नेकियां करते हैं और सब सुन्नत के खिलाफ उनको पता ही नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीम दी है नमाज़ कैसे पढ़नी है तरावी कैसे पढ़नी है कुरान की तिलावत कैसे करनी है सदक़ात खैरात कैसे करना है तो ये सारी की सारी बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक होंगी तब अल्लाह हमारी नेकियों को कबूल करेगा वरना अल्लाह रद्द कर देगा अल्लाह आलमीन ने फरमायासूल उसना तुम्हारे लिए अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है तीन बातें याद रखिए पहली बात रमज़ान की नेकियों से पहले हम ये नीयत करें कि अल्लाह जो नेकी हम करेंगे पूरी ज़िंदगी उस पर कायम रहेंगे जैसा कि अलैहि वसल्लम का हदीस है अल्लाह के वसल्लम ने फरमायाब्लाकल्ला के नज़दीक महबूब आमाल हैं जिसको हमेशा किया जाए अगरचे छोड़े हो और ये जज्बा कब पैदा होगा जब हम रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान समझ कर गुजारेंगे दूसरी बात ये कि हम जो भी नेकी करें अल्लाह के लिए करें और तीसरी बात यह कि जितनी भी नेकियां हम कर रहे हैं हम जायज़ा लें कि वो नेकियां सुन्नत के मुताबिक है या सुन्नत के ख़िलाफ़ सुनत के मुताबिक है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कबूलीत के लिए दुआ करें और अगर सुनत के खिलाफ है तो अपनी असलाह करें अल्लाह से दुआ है कर आलमीन हम सबको रमज़ान का मुकद्दस और मुहतरम महीना नसीब फरमा और उसके और बरकात से अपने दामनों को भरने की तौफीक अदा फरमा ईमान के साथ मोहत नसीफ़ फर आमिन व सल अल्लाबी करीम्स ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सुन्नत की तालीमत को आम करने में हमारा ताउन करे ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाकल्लान